हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसम रेसिपी। सो ये रसम बनाने के लिए मैंने 70 रुपीज़ का 100 ग्राम्स का ये पैकेट लिया है। ये आपको मार्केट में किसी भी स्टोर में मिल जाएगा। और ये रसम की रेसिपी साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। सो हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रसम बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें राई ऐड करेंगे। मैं 1 टेबलस्पून राई ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें चुटकी भर हींग डाल रही हूँ। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें महक भी बहुत अच्छी आती है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रहे हैं। अब इसमें मैं लहसुन की 4 तुरियां ऐड कर रही हूँ और ये 2 हरी मिर्ची हैं जिसको मैंने काट लिया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दूँ। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँ। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप ऑफ वाटर। और उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रसम पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा धनिया। सो गाइज़, हमारी जो रसम है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर दिया था। सो गाइज़, आप मेरी रेसिपी देखकर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपके तक पहुँच जाए। एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।